आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब सीता माता का हरण हुआ था तो इसका एहसास भगवान राम को कब हो गया कि सीता जी के साथ कुछ अनिष्ट हो गया है और उन्होंने किस प्रकार विलाप किया। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनकी बाईं ओर चलने लगे और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा था। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संतप्त करने लगी। इतने में उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेले कैसे छोड़ आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ। यदि वो जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मायावी राक्षस ने? और लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है, मतलब जो मायावी राक्षस था उसने जो चीख मारी थी, तो ऐसा तो नहीं कि उसने कहीं लक्ष्मण कहा और तुम दौड़े दौड़े उसकी आवाज़ सुनकर आ गए भ्रम में, और तुम सीता को गिली छोड़कर यहाँ पे दौड़े आए उसकी आवाज़ सुनकर? अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें आने को विवश किया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए चाल चली और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों से व्यथित होकर लक्ष्मण बोले कि भैया, मैंने स्वयं ही अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है, तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनके मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया था। तो पता है लक्ष्मण की बातों को सुनकर भगवान राम ने क्या कहा? सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो, मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला किंतु वे सभी की सभी सूनी मिली। जैसे हेमंत ऋतु की हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएँ शोभा शून्य थी। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सने सने कर दुख से रो रहा प्रतीत होता था। मृग छला और कुछ इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, आसन औंधे पड़े हुए थे। वृक्षों के फूल पत्ते और कहीं कहीं टहनियाँ टूटी हुई या अधूटी पड़ी हुई थी। तो आश्रम के अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे कि सीता का किसी ने हरण कर लिया अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई? जब सब और खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं नहीं दिखाई दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज़ दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनमें उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि कभी वे कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते कि हे कदम, मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बताओ वो कहाँ है। कभी बिलव के पास जाकर उससे कहती कि हे बिलव बिटप, क्या तुमने पीत वस्त्र धारण सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी किसी पुष्प समूह से सीता का पता पूछते। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते कि हे अशोक बिटप, तेरा नाम ही अशोक है, फिर तू सूता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं कर लेता? फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊपर है,
तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देखकर बता कि क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है। चुपचाप खड़ा न रह, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे कि हे प्राण वल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई? यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू प्रकट हो जा। देख मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ। अब बहुत हंसी हो चुकी, मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है। हे सीते बोल, तू कहाँ है? ये देख तेरे साथ खेलने वाले मृग सावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूँ, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्कारेंगे और कहेंगे तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरा किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चलाया? मैं कितना अभागा हूँ जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ जानकी, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ? बड़े भाई का विलाप देखकर लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चले और चलकर वनों और गिरी किंदराओं में भाभी को खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वहीं के भ्रमण कर रही हूँ। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जलक्रीड़ा देख रही हूँ, या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर इसी लता कुंज में बैठी हूँ। इसलिए हमारे पास यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण की युक्तियुक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला, किंतु उन्हें सीता नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोलते हैं कि सौमित्र, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज नहीं की, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौसल्या पूछेंगे कि सीता कहाँ है, तो मैंने क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? और वे जोर जोर से विलाप करने लगे कि सीते मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? ये मृगों से पूछते हो, वनों के कुकीलों से पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं कुकीला कंठी जानकी को देखा है? फिर वो खुद कहते हैं कि मैं नपुंसक हूं, कायर हूं, जो अपनी भार्या की रक्षा नहीं कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना कि अब तुम ही अयोध्या के राज्य संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौसल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह व्यथा को नहीं सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसीलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते चले जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझे छोड़कर जाने कहाँ चली गई। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है, वो भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर गई होगी, ये सब मुझे बहलाने की बात है। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वो आज कैसे जा सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामुप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। और फिर बोलते हैं कि हे सीते, हे प्राण बल्लभे, तू ही बता कि मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं? तो ये उनका विलाप था।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।